व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बट उससे पहले थैंक यू सो मच, आपने लास्ट की वीडियो में मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दिया और वो वीडियो बना के मुझे बहुत मज़ा आया जिसमें हमने डिफरेंट माइक की बात की थी व्लॉगिंग के लिए। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हैं और ये बारिशों का मौसम है, सो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना हम राइडर्स के लिए, हमारे लिए आती है कि हमारा सामान जो है, कपड़े हो गए या हमारे कैमराज हो गए या कोई भी एक्सेसरीज हो गई, उसको सेफ रखना हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। सो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो आजकल चल रही है मार्केट में, वो आती है टॉप बॉक्स। ठीक है, तो आपने मेरे बाइक पे भी देखा है टॉप बॉक्स लगा हुआ है। सो आज हम बात करेंगे टॉप बॉक्स के बारे में। सो मार्केट में कई सारे तरीके के टॉप बॉक्स आते हैं, ठीक है, उसमें स्टड्स आता है, जीवी आता है, ट्रैक एंड राइड्स आते हैं, शैड आते हैं, बहुत सारे आते हैं, आपने देखे होंगे। सो अपनी अपनी बाइक के हिसाब से लोग चूज़ करते हैं। सो मैंने ट्रैक एंड राइड मैंने चूज़ किया था। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे बड़ी जो उसकी क्वालिटी थी वो था उसकी बिल्ड क्वालिटी। सो बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही लो क्वालिटी है या हल्की सी चीज़ है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सॉलिड क्वालिटी उसकी है और मैंने लगवाया 40 लीटर का। सो बेसिकली ट्रैक एंड राइड पर दो आते हैं, 40 और 52 लीटर आते हैं। सो दोनों ही बहुत बढ़िया है, वो आपकी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली बड़ा लगवाएंगे, अदरवाइज 40 लीटर इनफ होता है। सो मैंने जो लगवाया है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इस वाले टॉप बॉक्स में क्या है कि एक तो आपको ऊपर का जो एरिया वो बहुत अच्छा मिलता है, जिससे अगर आप कोई लगेज कैरी करना चाहते हैं इसके ऊपर तो आप उसको भी बांध सकते हैं। देन आपको इसके साथ पिनियन बैकरेट्स मिल जाता है, तो बैकरेस्ट का बहुत फ़ायदा होता है, जो पिनियन होते हैं उनको एक सपोर्ट मिल जाती है। अगर वो ना हो तो जो टॉप बॉक्स है ना वो थोड़ा सा आपको टच होता रहेगा या आपको चुभेगा तो इरिटेट करेगा, तो इसलिए वो भी बड़ा सही है। और अगर आप 40 लीटर का लेते हो तो आप इसके अंदर एक्सेल साइज़ का फुल फेस हेलमेट डाल सकते हो, ठीक है, तो इतना स्पेस होता है। बट अगर आप 52 लीटर का लेते हो तो उसमें दो हेलमेट बहुत ईजिली आ जाते हैं और इसमें कलर आपको ब्लैक ही मिलता है, ठीक है। तो मेरे लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहा, मैंने कई राइड्स करी हैं जिसमें मेरे को ये बहुत यूज़फुल रहा मेरे लिए। और इसका जो लॉक सिस्टम है या जो भी क्वालिटी, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का काउंट होता है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, तो इसके साथ प्रॉपर प्लेट्स, प्रॉपर फिटिंग आपको मिलती है, इसको आप बहुत ईजिली सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजिली सेटअप हो जाता है ये। सो मार्केट में इसके दो वेरियंट आते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अगर आप अमेजन पर देखेंगे तो इसका अराउंड इस टाइम जो प्राइस अमेज़न पर दिखाया वो 8500 के करीब दिखाता है, बाकी वेरी करता है, आप शॉप्स लोगे तो वेरी करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट शॉप्स इसके प्राइस, ऐसा कोई फिक्स प्राइस नहीं है और ये ऑलमोस्ट सारी बाइक्स पर लग जाता है। तो मेरा रिकमेंड है कि अगर आप कभी भी टॉप बॉक्स लगवाना चाहते हैं तो आप एक बार इन पर ज़रूर ट्राई करना। ट्रैक एंड राइड की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही यूज़फुल चीज़ थी। सो बहुत छोटा सा वीडियो था आज, मैं इसी बारे में बताना चाहता था कि अगर आप टॉप बॉक्स ढूंढ रहे हैं तो ट्रैक एंड राइड के टॉप बॉक्स की क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, रेट भी ठीक है इनके, और इनके साथ सारी एक्सेसरीज आपको मिल जाती है फिटिंग करने के लिए। बहुत ईजी इसको इंस्टॉल हो जाता है ये, और ये डिटैचेबल होता है। सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है, डिटैचेबल है और बहुत ईजिली ये डिटैच हो जाता है। जैसे आपको बॉक्स खोलना है और उसके अंदर एक छोटा सा पेज है, उसको आप रोटेट करोगे ये डिटैच हो जाएगा और इसी तरीके से ये लग भी जाता है। तो बहुत ही सिंपल है इसका इंस्टॉलेशन, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। जब आप किसी राइड पर जाते हो ना तो वहाँ पर आप किसी भी होटल में अगर आप रुकोगे तो आपको कपड़े ऐसे उठा के अलग अलग लेके जाने की या सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक पेज ओपन करो और पूरा बैग जो है, पूरा टॉप बॉक्स है, उसको उठा के अंदर ले जा सकते हो। इसको होल्ड करने के ऊपर प्रॉपर ग्रिप भी दे रखी है। सो गाइस, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत क्वालिटी है। जो भी मुझे अच्छा लगता है एक्सपीरियंस मेरा, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सो आई होप, जैसे माइक का मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस आया आपका, मुझे पता चला कि काफ़ी लोग उसके बारे में ढूंढ ही रहे थे। सो इसी तरीके से हो सकता है कि टॉप बॉक्स को लेके भी कईयों के कन्फ्यूजन होगा, सो इसलिए मैंने टॉप बॉक्स के बारे में आज बात करने की कोशिश की। मैं बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो या डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोगों को बहुत नॉलेज है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इतना गाइड कर देता हूँ कि अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जो ऑनर एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा सा रियल में आ जाता है कि एक बंदा अगर जो जिस चीज़ को यूज़ कर रहा है उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छा बता सकता है। सो अगर आप टॉप बॉक्स ढूंढ रहे हैं तो एक बार ट्रैक एंड राइड के टॉप बॉक्स को ट्राई ज़रूर करना, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और ठीक है गाइस, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मैं लाता रहूँगा, छोटे छोटे स्मॉल वीडियोज़ होंगे, बट जितनी इन्फॉर्मेशन, जितने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँगा आपसे करूँगा। मुझे वीडियो लेंथी और बड़े बड़े बनाने का कोई शौक नहीं है, बस
बस मेरा इतना ही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहा हूँ आपके साथ, और बहुत जल्दी मैं अपनी पूरी बाइक भी दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर मैंने क्या क्या एसेसरीज लगवा रखे हैं। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आया था कि मैं क्या क्या लगवाया बाइक पे, दिखाऊंगा आराम से दिखाऊंगा। अभी एक कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर कर रखी हैं, जैसी आएंगी लग जाएंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो आई होप बाइक आपको बहुत पसंद आएगी। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो भी यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपने यहाँ तक देख लिया है। सो गाइस थोड़ा सपोर्ट और करो, थोड़ा सा सपोर्ट में कमी है बिकॉज मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ कई लोग वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो अगर आपको पसंद नहीं भी आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव करूँ, बिकॉज मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लर्निंग स्टेज पे हूँ, वहाँ पर लोग मुझे सिखाएंगे। सो अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई कमी चल रही है तो आप मुझे बिल्कुल सिखा सकते हैं। सो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता, लेक्चर नहीं दूंगा। सो आई होप आपको पसंद आया होगा यहाँ तक देख लिया। तो बहुत जल्दी मिलता हूँ एक अच्छे और कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।